वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस क्यू एंड ए सेशन, जो हमारे वीकली मास्टरमाइंड क्लास का हिस्सा है। और यही एक स्पेशल जगह है जहां पे आप अपना क्वेश्चंस करेंगे और मैं जवाब दूंगा, और ये हर हफ्ते होगा। और जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स बताते हैं, डॉक्टर ममता ने बोला कि वैसे अगर आप नहीं भी पूछो तो आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, क्योंकि मेरा जो कोर्स है, मेरे जो वीडियोस है, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आपको अभी नहीं तो कल, नहीं तो कल नहीं तो परसों वीडियो पर आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। एटलीस्ट 30 डेज का कोर्स कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन रहे तो फिर मैं उसका जवाब बहुत अच्छे से दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ पूछना ही है, बहुत जल्दी है, अर्जेंट है, वेट नहीं कर सकते, तो कर लीजिएगा, मैं अभी आपको उसी का आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए। सरिता सिंह बोल रहे हैं, सर हीलिंग करते समय राइट साइड सर से हाथ हटाने के मन नहीं करता है, बाकी बहुत रिलैक्स फील होता है, क्या ये नॉर्मल है या किसी प्रॉब्लम का संकेत है? नहीं सरिता सिंह, आपके राइट साइड में जब आप हीलिंग कर रहे हो तो वहां पे हाथ रखने से एक्चुअली में आपको हीलिंग महसूस हो रही है, हीलिंग की वहां जरूरत है। आपको क्रिएटिव माइंड आपका बोल रहा है कि मुझे ज्यादा हीलिंग दो, क्योंकि आपको रिलैक्सेशन की जरूरत है, क्योंकि राइट ब्रेन आपका क्रिएटिव माइंड होता है। ये लॉजिकल है, ये क्रिएटिव है, इसका मतलब अब आप और रिलैक्स होने वाले हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां आने वाली है, अच्छे दिन आने वाली है, तो इसको हीलिंग कर दो। जब ये बोल रहा है कि मुझे और हीलिंग दो, ठीक है, एक्स्ट्रा हीलिंग कर देना, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपका बॉडी बताएगा, आपकी चक्र बताएंगे कि आपको कहाँ का हीलिंग की जरूरत है, और वो हाथ ऑटोमेटिकली वहां जाएगा। तो ये आपका रेकी एनर्जी बताती है कि हीलिंग किधर का, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ममता बोल रहे हैं, सर मेरे स्किन इश्यूज के लिए मुझे रूट चक्र, ठीक है, रूट चक्र सामने से पैर के जोड़ में, पीछे से आपका टेल बोन पॉइंट में, यहाँ पे ज्यादा हीलिंग करनी है स्किन से रिलेटेड, एलर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, ठीक है, राइट, वहां पे दीजिए। अजीत कुमार, रेकी ब्लेसिंग फाउंडेशन ऐप में फाइनेंशियल फ्रीडम कोर्स, हॉलिस्टिक फ्रीडम कोर्स नहीं मिला है, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, अक्षत से बात कीजिएगा, दे देंगे, ठीक है, वो आपका कोर्स है, मैं कहीं रख के अलग से उसका कुछ नहीं कर सकता, मुझे बता दो, यहाँ पे अभी मैं नहीं कर सकता, है ना। शिवराज खटे, थर्ड लेवल के लिए मुझे क्या करना होगा? शिवराज मुझे प्लीज व्हाट्सएप कीजिएगा, एक बार मैं टाइम दूंगा, कल बात कर लेना, आपको थर्ड लेवल के लिए अपग्रेड कर देंगे जब आप चाहेंगे, ठीक है। प्रेम कुमार बत्रस, 36 मिनट ऑडियो नॉट डाउनलोडिंग, मैं ग्रुप में, आपका जो आरएमपी कम्युनिटी ग्रुप है प्रेम कुमार बत्रा जी, वहां पे मैंने ऑलरेडी लिंक डाला हुआ है, मैं अभी 36 मिनट्स का अलग से आपको भेज दूंगा, ठीक है। शिल्पा टिमगिरे, सर हीलिंग के टाइम मुझे बहुत उदासी होती है, ओके, और आंखों में पानी आती है। शिल्पा टिमगिरे, इसी को डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, तो हीलिंग में ऐसा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम नॉर्मल है, इसका मतलब हीलिंग काम कर रहा है। अगर आपके आंसू निकल रहे हैं, आपको थोड़ा सा लो फील होता है, इसका मतलब हीलिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। और जब हीलिंग होने लगेगी तो आप फिर से आप फील करोगे, रेगुलर हीलिंग करते रहिएगा, अच्छा है कि हीलिंग हो रही है। डॉली कुमारी बोल रहे, सर मास्टर पेंसिल टॉप पार्ट में माइनर क्रैक, कुछ नहीं फर्क पड़ता, माइनर क्रैक, थोड़ा बहुत क्रैक, अंदर ही अंदर कुछ गंदगी, ये क्रिस्टल के ओरिजिनल होने का, अगर अगर क्रिस्टल आपको इस टाइप का एकदम ट्रांसपेरेंट साफ सुथरा दिखाई दे और बोले कि ओरिजिनल क्रिस्टल है, इमीडिएटली भाग जाइए वहां से, वो ओरिजिनल नहीं है, वो सिर्फ ग्लास है, शीशा है, शीशा साफ सुथरा होता है, फैक्ट्री में बनता है, और इसको कंपनी फैक्ट्री में बनाते हैं, साफ सुथरा बनना जरूरी है। और ऐसे बर्तनों की दुकान में आप बर्तन भी देखेंगे तो कई बार बोलेंगे क्रिस्टल का ग्लास है, क्रिस्टल का प्लेट है, क्रिस्टल का कुछ नहीं है, वो ग्लास है, शीशा है, तो शीशा साफ सुथरा होता है। और जो आप क्रिस्टल देख रहे हो, जो मैं आप लोगों को अगर दिला रहा हूं, अगर आप ले रहे हो, तो उसमें हल्का सा क्रैक होगा, अंदर थोड़ी गंदगी होगी, वो हाथ से तराशा हुआ ओरिजिनल रॉ क्रिस्टल्स है, जिसको आपको एक शेप बना के दिया जा रहा है, तो उसमें हल्का सा क्रैक, हल्की सी गंदगी हो सकती है, इसका मतलब वो ओरिजिनल है, डुप्लीकेट ऐसा साफ सुथरा होता है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच ना। गुरमीत कौर, सर ग्रिड बॉक्स में हीलिंग करने के बाद भी 12 पॉइंट की हीलिंग? नहीं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, आप ग्रिड बॉक्स में कर रहे हो, क्योंकि ग्रिड बॉक्स में करने से उनको 24x7 हीलिंग एनर्जी मिल रही है। अगर आपको अलग से करना है तो अलग से कर सकते हैं, कोई खास हो, आपके अपने हो, जल्दी रिजल्ट चाहिए तो अलग से भी कर सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है, ये चॉइस है आपके पास, ठीक है। लेइंग डाउन पोजिशन में हीलिंग कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, आपको लेट के करना है, करना चाहिए,
आप जब दूसरे को हीलिंग दे रहे हैं तो उसे लिटा का तो हीलिंग देना, तभी तो वो सो रही थी आपने जिसको हीलिंग दिया। तो लिटा की जब हीलिंग वो ले पा रही है तो लिटा कर हीलिंग आप भी ले सकते हैं, ठीक है। तो लाइंग डाउन पोजिशन में हीलिंग एक्चुअली में हीलिंग काम करता है। जब आप लाई डाउन करते हो या फिर आंख बंद करके सो रहे होते हो उस समय आपका कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से सबसाइड होता है, तो ये हीलिंग और फास्टर होती है। इसीलिए आप भी लेट कर हीलिंग करो, कभी कभी आप सो जाओ तो और अच्छा है, सोते सोते हीलिंग करो तो अच्छा है, गलत नहीं है। और जब आपको टाइम मिले बैठ कर हीलिंग करना है अलर्ट होके तब भी आप करो, राइट। दोनों ही पोजिशन में हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। गुरमीत कौर सर जी, ग्रेट बॉक्स में दो रिक्वेस्ट एक पर्सन के, हाँ आप एक पर्सन की 10 रिक्वेस्ट भी डाल सकते हो। उसको अच्छा लड़का मिल गया, उसकी शादी हो गई, उसको नौकरी मिल गई, उसको उसने एक कार खरीदी, बाकी कुछ भी हो सकता है, उसके घुटने में दर्द ठीक हो गया, उसका पेट का दर्द ठीक हो गया, उसकी टेंशन दूर हो गई। 10 एक ही बंदे का अलग अलग पर्ची डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्रणव सर, मैंने 3 4 बार शुरू किया, 10 मिनट करने के बाद फ्लो ब्रेक हो। फ्लो का आप चिंता मत करो प्लीज, मैंने पहले ही बोला है रेकी, जब भी आप हीलिंग अपनी करो दूसरों की करो, आपको दिमाग ही नहीं लगाना है कि फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा है, फील हो रहा है नहीं हो रहा है, दिमाग मत लगाओ प्लीज, ओके। आप सिंपल हीलिंग कर दो, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें होंगी, कहीं पे हीलिंग जाएगी कहीं पे नहीं जाएगी, कहीं पे आपको लगेगा गर्म है कहीं पे लगेगा ठंडा है, क्यों दिमाग लगाना, सिंपली कर दो और आपको रिजल्ट दिखेगा। कब? जब लगातार आप हीलिंग दोगे, कुछ दिन कुछ हफ्ते कुछ महीने, तो वहां पे रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट एक प्रोसेस है जो लंबे समय तक हीलिंग देकर आएगा। अभी जो हीलिंग दे रहे हो बस 15 20 मिनट आधा घंटा है, अपना काम खत्म करो, अपने काम पे चलो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शुरू फिर से कोई करने की जरूरत नहीं है, 3 4 बार शुरू किया ब्रेक हो गया, ठीक है ब्रेक हो गया। बाद में आपको सेल्फ हीलिंग करना है तो 12 मिनट पूरे कर लो, एक ही बार में कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे को भी आप हीलिंग दे रहे हो ब्रेक होता है तो दूसरी बार में पूरा हीलिंग देना पड़ेगा, ठीक है, राइट। टुकड़े में नहीं कर सकते। और आप 3rd वीक से करना है, 4th वीक से करना है, कभी भी कर लो, ठीक है। जब से आपको करने का मन है तब से करो, लेकिन कंटिन्यू तो करो, ठीक है, राइट। संगीता सर, मेरी बेटी को उत्तरी कार्सिया का प्रॉब्लम है, कौन सा है ये पता नहीं, उत्तरी कार्या क्या होता है, कहाँ हीलिंग ज्यादा देना, मुझे नहीं पता ये क्या बीमारी है, ठीक है, ये किस टाइप की बीमारी क्या है, अगर उसको आप साधारण भाषा में लिखते तो समझ में आता, बाकी गूगल देवता है, गूगल देवता को पूछ लेता हूँ कि आपकी इस बीमारी का क्या मतलब है, समझ में आए तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये है स्किन रैश है, ठीक है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, कुछ फूड एलर्जी वगैरह से होता है या मेडिसिन से हो सकता है, तो उसके लिए डेफिनेटली रूट चक्र पे है, क्योंकि स्किन से रिलेटेड है, रूट चक्र है, मणिपुर चक्र है, और जहां पर मेन प्रॉब्लम है स्किन का वहां पे आप दे, ठीक है। सुनीता गुप्ता, 36 मिनट तक एक जगह नहीं बैठ सकते तो क्या करना है, 12 मिनट बैठ जाओ, 12 मिनट को 3 बार कर लो, नहीं बैठ सकते लेट जाओ, लेटते लेटते कर लो, कोशिश करो कि कर, ठीक है। बाकी हम कई तरीके की बातें बोल सकते हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, आपको हील होना है तो आपको हीलिंग करनी है, बैठे बैठे दिक्कत है लेट कर लो, ठीक है, फिर भी दिक्कत है तो 2 या 3 बार में कर लो, कोशिश करो कि एक साथ करो, और ये प्रैक्टिस से होगा, शुरू में ही आपका जो बॉडी है माइंड सोल है वो प्रैक्टिस में नहीं है, वो कई सालों से इस टाइप के काम तो किया ही नहीं है, इसीलिए इसको करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए थोड़ी सी तकलीफ थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा, फिर भी ज्यादा पेन मत लेना, लेट कर हीलिंग कर लेना, लेकिन हीलिंग करना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सर्दी जुकाम ठीक करने के लिए तो आए नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी दिक्कत है, तो वो ठीक करने के लिए थोड़ी सी कष्ट हो जाए तो कष्ट ले लीजिएगा, बाकी आप लेट कर भी हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। अभया मलिक बोल रहे सर, मेरे को लिम्फीगेमा, इसके लिए कौन सा हीलिंग, अब आप बहुत खतरनाक खतरनाक नाम लेके आ रहे हो आज के डेट में, राइट। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ आप लोगों को बता दूं, और वैसे भी जो भी मेडिकल डॉक्टर भी होगा तो वो एक खास किस्म का स्पेशलिस्ट होगा, उसको भी हर बीमारी के बारे में पता हो, उसका हर इलाज पता हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। और बाकी तो मैं वैसे भी मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो मुझे प्लीज इस टाइप का खास
टर्मिनोलॉजी मत बताइएगा, साधारण लेमेंस लैंग्वेज में बताने की कोशिश करना, ठीक है? लिम्फेडेमा क्या होता है? लिम्फेडेमा स्वेलिंग इन आर्म लेग कॉज बाय लिम्फेटिक सिस्टम ब्लॉकेज, कुछ नहीं है, स्वेलिंग है। आप जहां पे स्वेलिंग है वहां पे हाथ रख के हीलिंग कर सकते हो। कौन सी जगह? वहीं पे जहां पे स्वेलिंग है आर्म्स में और लेग्स में होता बोल रहे हैं, वहीं पे जहां पे भी आपको गांठे नजर आएगी वहीं पे हाथ रख के हीलिंग कीजिएगा, ठीक है? लिम्फेडेमा, बहुत अच्छे अच्छे नाम है, बताओ कितना प्यारा नाम है, सुन के मजा आता कि ऐसी बीमारी हो जाए, वाह क्या बीमारी है ना, बड़ा मजेदार बीमारी, राइट? लिम्फेडेमा। सीमा खंडेलवाल, हेलो सर जी, मैं 16 अप्रैल से घर में मैरिज के कारण हीलिंग नहीं कर पाई तो स्टार्ट की है, कुछ ऐड और करना है? कुछ नहीं, आपको जहां पे खत्म किया था, जिस जगह पे छोड़ा था, उसी को शुरू करो, उसी को कंटिन्यू करो। ऐसा सोचो कि कल ही किया था और आज कंटिन्यू कर रहे हैं, बीच में जो गैप था भूल जाइए, सिर्फ कंटिन्यू कीजिए, जस्ट रीस्टार्ट, बात बात खत्म, ठीक? प्रेम कुमार, 37 मिनट होगा, मैंने ऑलरेडी बता दिया, मैं कर दूंगा। सेकंड वीक स्टार्ट कर सकते हैं अभी 19 अप्रैल। हाँ मनीषा पवार, प्लीज मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके 4 वीक्स का प्रोग्राम है, 4 हफ्ते का, एक साथ अटेंडमेंट दे दिया फर्स्ट और सेकंड लेवल का, वीकली वाइज आपको वर्कबुक में प्रोग्राम बताया है, डेली एक्टिविटी चार्ट दिया है, बता दिया गया है कि डेली एक्टिविटी करके होमवर्क लिख के ये किया, डेट लिखकर फोटो भेजना, और 5 चीजों लिखना एटीट्यूड और ग्रेटिट्यूड के लिए, ये दोनों काम आप डेली कर लो, और कैसे करना है फर्स्ट मॉड्यूल के सारे वीडियो देख लो जो कि देख लिया, अब सेकंड वीक में जाओ, दूसरे हफ्ते का सारा देख कर प्रैक्टिस कर लो, दूसरे हफ्ते अकॉर्डिंगली तीसरे हफ्ते में जाओ, फिर चौथे हफ्ते में जाओ, पूछने की जरूरत नहीं है, परमिशन नहीं लेना है। 1 महीने का कोर्स पूरा दिया गया है, 30 दिन कंप्लीट होने के बाद, 4 मॉड्यूल्स कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे, मैं पूछूंगा कैसा लगा, कुछ फायदा हुआ, क्या क्या ठीक हुआ, तब बात करेंगे। तो नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ अ परमिशन फ्रॉम मी, जस्ट कीप ऑन गोइंग वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल एंड कंप्लीट इट, ओके, इन 4 वीक्स, एंड देन सेट अ काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट विद मी टू डिस्कस योर प्रोग्रेस, एंड वी विल टॉक ऑन टेलीफोन, आई विल टेक दैट टेलीफोनिक इंटरव्यू, ओके, ऑफ यू, एंड आई वुड लाइक टू नो कि 4 हफ्ते में हुआ क्या, जो सिर्फ 4 हफ्ते हैं, सिर्फ 30 दिन की बात कर रहा हूँ, ठीक? 72 मिनट की हीलिंग करते वक्त उठकर सोकर बैठकर, हाँ मैंने बोला ना कि आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, पहले खड़े होके कर लो, फिर बैठ के कर लो, फिर पालथी मार के बैठ जाओ, फिर लेट के कर लो, फिर खड़े होके कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आप आंख खुली करके भी कर सकते हो, बस ऑडियो लगाओ और कर लो, ठीक है? तो सर रोजाना 7 चक्र की हीलिंग करते हैं, और तो क्या 36 मिनट बालापाट की हीलिंग अलग से करनी है? सुशील कुमार, देखो अगर आप थर्ड लेवल में हो तो जब आप चक्रा हीलिंग कर रहे हो तो चक्रा हीलिंग का मतलब है कि आप 7ों चक्रों की हीलिंग कर रहे हो, तो अगर 7ों चक्रों की कर रहे हो तो अलग से हीलिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हीलिंग करने से अच्छा लगता है, हीलिंग करने से फायदा हो रहा है, तो वो भी कर लो, ठीक है? तो आप या तो ऑल्टरनेट कर लो, चक्रा हीलिंग कर लो या तो सेल्फ हीलिंग नॉर्मल, या फिर सेल्फ हीलिंग ही कंटिन्यू करो, चक्रा हीलिंग हफ्ते में एक दिन कर लो, महीने में एक दिन कर लो, या फिर अच्छा लगता है और फायदा दिख रहा है तो चक्र हीलिंग ही कर लो, दोनों ही एक ही चीज है, ठीक? दोनों हाथों को चार्ज करके क्रिस्टल बॉक्स में हीलिंग करते हैं मान लीजिए, और आधा घंटा हीलिंग करने में लग जाए, बाएं हाथ का तो कोई काम नहीं है, तो लास्ट में दोनों हाथों से हीलिंग करते हैं या बाएं हाथ से दोबारा चार्ज करना होगा? नहीं अभिद्यापति, आप सिंपल हीलिंग कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, ठीक है, बाएं हाथ का कोई काम नहीं है, बाएं हाथ से करना है तो बाएं हाथ से भी ऐसे हाथ रख के हीलिंग कर सकते हो, ऐसे ऐसे भी कर रहे हो, इस हाथ से भी कर रहे हो, ठीक है, दोनों को यूज कर सकते हो करना चाहें तो, अलग से इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब जो नॉर्मली कर रहे हो वैसे करते हो, जहां प्रॉब्लम वो वहां हीलिंग कर सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स ना विनय, सिखा इसलिए गया कि सिर में दर्द है तो सिर में हीलिंग करना है, घुटने में दर्द है तो घुटने में हीलिंग करना है, बस मैंने फॉर्मूला ये दिया कि अगर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 12 पॉइंट के बाद लोकल पार्ट की हीलिंग करो, लेकिन इमरजेंसी है और आपको सिर्फ वही हीलिंग देना है, समय की कमी है, तो यस उसी जगह पर डायरेक्ट हीलिंग दे सकते हैं, ठीक है? 72 मिनट का हीलिंग 2 दिन सिर्फ किया है, फिर बीच में 3 दिन छूट गया, और तो मैं 72 मिनट को फिर से स्टार्ट कर सकता हूं। देखो ये फिर से वाला क्या मतलब है, सोचो ना, समझ में नहीं आता मुझे, आपको यहाँ पे कोई ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि इतने दिन की तपस्या, इतने दिन की साधना, बीच में टूट गया तो फिर से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि धार्मिक अनुष्ठान थोड़ी है ये, 72 मिनट कर रहे थे कोई बात नहीं, 2 दिन छूट गया छूट गया, आप वापस करो, अब वापस आप 72 मिनट की करो, 50 करो, 36 करो, 12 करो, आपकी मर्जी है, मैं चाहता हूं कि आप 72 मिनट की हीलिंग लास्ट हफ्ते तक कर रहे हो तो कर लो, कंफर्टेबल हो तो उसे ही कंटिन्यू करो, बाकी आप टाइम अनुसार उसे एडजस्ट कर लो, मैंने 12 मिनट तक की फ्रीडम दी है, बट
अगर आपकी बड़ी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है तो 72 मिनट्स ही करो, नहीं तो थोड़ा 50 मिनट्स करो, लेकिन 36 मिनट से कम मत करो अगर आपकी बड़ी प्रॉब्लम है ठीक नहीं हुई। ठीक हो चुका है, नॉर्मल है, राकेश जैसी खुश हो, ममता जैसे बहुत बढ़िया, लोगों की नजर में आपकी बढ़िया छवि है, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहे हो, आपको भी अच्छा लग रहा है, तो आप 36 मिनट या तो 12 मिनट से भी मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, टाइम के ऊपर है। सुनीता मोदी लाल बॉर्डर के रेक स्टेबलाइज कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, जहां आपको करना स्टेबलाइज कर सकते हैं। साइटिका के लिए कहाँ पे हीलिंग देना? जहां पे दर्द हो रहा है वहां पे देना है, साइटिका का दर्द होता है, आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हीलिंग दे सकते हो। गर्दन के पीछे जिस जगह पे, रीढ़ की हड्डी में, कहीं पे भी आपको जो पेन हो रहा है वहां पे। सर डिप्रेशन में सर के ऊपर हीलिंग करती हूँ, डिस्टेंस हीलिंग। डिप्रेशन में मेनली मणिपुर चक्र की हीलिंग करना, पेट में बहुत दिक्कत होगी उसको, ठीक है, हार्ट चक्र की भी हीलिंग करना और थर्ड आई की हीलिंग करना। मनुष्य से हीलिंग दिन में कभी भी कर सकते हैं, हाँ कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रूपाली सर, मेरे को फोर्थ लेवल के लिए मैसेज किया है, प्लीज देखिएगा आपसे कब बात कर सकते हैं। रूपाली कल सुबह, कल आप मुझे 1-2 बजे, 2 बजे कॉल कीजिए, ठीक है, 2 बजे कॉल कीजिए, 2 बजे दोपहर। सर ऑनलाइन कैसे कमाए? मेरा थर्ड लेवल 2 मंथ हो गया है। स्मिता पटेल, ऑनलाइन कमाने के लिए आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा, पहले आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा कि मुझे घर बैठे बैठे ऑनलाइन काम करना है, और फिर अपने आप को प्रोमोट करना पड़ेगा। यू हैव टू नो हाउ टू सेल योर स्किल ऑफ हीलिंग। तो हीलिंग को कैसे दूसरों तक पहुंचाना है? हीलिंग ले लो भाई, हीलिंग ले लो बोल के बोरे में रखकर तो बेच नहीं सकते, तो आपको लोगों को जताना पड़ेगा कि आप अच्छी हीलर हैं। उसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल, पोस्ट बनाओ, फोटोज डालो, बताओ कि हीलिंग होती है, रेकी क्या होता है, लोगों को नॉलेज दो, एजुकेट करो, उसके बाद फिर बताओ कि मैं हीलर हूँ, अच्छा करती हूँ। उसके लिए वीडियोस बनाना शुरू करो ताकि लोगों को पता चले कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो। सबसे पहले स्मिता एक वीडियो टेस्टिमोनियल बना के मुझे दो कि आपको रेकी सीखने को मिला तो कैसा लगा, क्या सीखा, क्या फायदा हुआ, और ये भी बताओ कि आपने कितने लोगों को हीलिंग दिया, किस किस चीज में फायदा हुआ, ताकि लोगों को पता चले कि आप अच्छे हीलर हो। फिर मैं उसे YouTube चैनल में डाल दूंगा, आप उसका लिंक सबको भेज देना, और फिर पता चलेगा, फिर आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, फिर उनसे पैसे चार्ज करना, अपने गूगल पे में पैसे मांग लेना कि मुझे 2100 डाल दो, 5100 डाल दो, फिर उसके बाद उसकी हीलिंग करना, वहां से उससे रिव्यू लेना, फिर उस रिव्यू को दिखा के 10 और लोगों को अट्रैक्ट करना, ऐसे करके धीरे धीरे काम करते हैं। वैसे आप और भी चीज सीख सकते हो, बाद में मुझसे बात कर, ठीक है। कौन से पॉइंट पर स्टेबलाइज नहीं कर सकते? किसी भी पॉइंट पे कर सकते हो, जो आपका आखिरी पॉइंट है वहां पे स्टेबलाइज कर सकते हो। सर मेरे पॉजिटिव भी बहुत इंक्रीज हुआ है, रिंकू रॉय बोल रहे हैं कि मुझमें बहुत सारे पॉजिटिविटी इंक्रीज हुआ है। प्रॉब्लम है, वीकनेस है फीट में, आई एम बैलेंस इन फीट सर, हीलिंग डेली करती हूँ। तो करते रहिए रिंकू, डेफिनेटली फायदा होगा, सारी प्रैक्टिसेस करना जो मैंने बताया है, सारी चीजें ठीक हो जाएगी, ठीक है। सर मैंने बैच कोड में RMP1 लिखा है, वीडियो ओपन नहीं हो रहा है, प्लीज रिक्वेस्ट गाइड, अभी क्लास खत्म होने के बाद मुझे व्हाट्सएप करना, ठीक। जयंत सर, आई फील लेस एनर्जी दिस वीक आफ्टर डूइंग प्रैक्टिस, वाई? कुछ नहीं, ऊपर नीचे होता है, मैं भी कई बार लेस एनर्जी फील करता हूँ, कभी कभी लो हो जाता हूँ, कई बार बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, क्या कर सकते हैं, दुनिया है, परिस्थिति है, समस्याएं आती है, दिक्कतें होती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो सबके जीवन में होता है, तो वाई मत बोलो, इसको हाउ बोलो, और हीलिंग से उसे ठीक करो, ठीक है। हीलिंग से वो ठीक हो जाएगा ना, तो ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऊपर नीचे होता रहता है, यहाँ पे कोई डायरेक्टली कोई स्वर्ग में थोड़ी बैठा हुआ है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, यहाँ पे कोई जादू टोना थोड़ी सिखाया आपको, आपको सिस्टम दिया है, ठीक कर लो। वो मेरे पास भी सिस्टम है, आपके पास भी है, मैं भी अपने आप को ठीक रखता हूँ, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता हूँ, आप भी कर लो, आपको सिस्टम दिया हुआ है, और जब आप लगातार 3 महीने तक करोगे तो मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, तब तक बने रहो। प्रणाम सर, मेरी हीलिंग से टेंशन ठीक हो गया है, मेरा सोच भी पॉजिटिव हो गया, बहुत अच्छी बात है नीरू, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको वीडियो में आके बताना चाहिए, हो सके तो वीडियो बना के दीजिएगा। मनीषा पावर सर, मेरे पाँव के अंगूठे पर दर्द है, वहां पे कैसे हीलिंग करे? ये पैर का अंगूठा है, इसको पैर का अंगूठा बोलिए, और यहीं पे हाथ रख के हीलिंग करे, ये अंगूठे के ऊपर ही हाथ रख के हीलिंग करना पड़ेगा, उसी को हीलिंग बोलते हैं, जहां पे प्रॉब्लम है वहां पे हीलिंग कीजिए। सरिता बोल रहे हैं मैं थर्ड लेवल हूँ, पोस्ट नहीं विजिबल, प्रोवाइड ऑल्सो RMP थर्ड लेवल, व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, कल एक बार व्हाट्सएप कीजिएगा, फिर मैं आपको उस पर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। वर्कबुक PDF
पित्त के लिए कहाँ देना है, पेट पर ज्यादा हीलिंग दीजिए। वर्कबुक पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, टिंकू खड़िया व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं डायरेक्टली वर्कबुक भेज दूंगा। रजनी खन्ना सर, आपने भी जो बुक में रोज कुछ लिख कर बताया है वो मुझे समझ नहीं आया, प्लीज आप बुक से बता सकते हैं। रजनी खन्ना वर्कबुक में सिर्फ दो बातें बताया, एक है डेली एक्टिविटी चार्ट जो सबसे लास्ट में है, उसमें जो एक्टिविटीज लिखा है उसे मैंने आपके कोर्स के फर्स्ट मॉड्यूल में सिलसिलेवार 100% सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भाषा में, इसी सरल भाषा में बताया, तो वो समझ में आना चाहिए। एक बार नहीं तो 10 बार देखकर समझ जाना कि सांस कैसे लेना है, हाथ को कैसे ऐसे ऐसे करने से स्वाइसो एक्सरसाइज होता है, क्या फॉरगिवनेस है, क्या ग्रेटिट्यूड है, रेकी प्रिंसिपल 5 वाक्य हिंदी में अपनी भाषा में लिख लो, सिंपल है, और मैंने वर्कबुक में दिया है। डेली आपको एक्टिविटीज करके टिक करना है, डेट लिख के भेजना है, 5 चीजों के लिए थैंक यू लिखना है ग्रेटिट्यूड वर्कशीट में जो आपको दिया हुआ है, एज सिंपल एज दैट। समझने की कोशिश करोगे तो समझ पाओगे, नहीं तो कई बार नेगेटिविटी इतनी होती है कि हमने पूरा फिल्टर लगा के बैठे होते हैं कि मुझे समझना ही नहीं है, तो सामने खड़ा हुआ ऊंट भी दिखाई नहीं देता है क्योंकि माइंड में नेगेटिविटी होती है, मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे पता ही नहीं है कैसे होगा, ऊंट खड़ा है वो भी नहीं दिखाई देता है। वीडियोस बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, प्लीज देखिएगा, आपको शायद आपने अच्छे से नहीं देखा। और दूसरी बात, वर्कबुक भी बड़े अच्छे से बताया गया है, एक बार फिर से उसे देखिएगा, फिर भी डाउट है तो प्लीज रितु मैम का नंबर दिया हुआ है उन्हें फोन करके पूछ लीजिएगा, वो बड़े प्यार से समझा देंगे, ठीक है, हालांकि मैंने अभी अभी बता ही दिया है। इंटरव्यू के लिए कहाँ हीलिंग, इंटरव्यू के लिए अपने दिमाग में हीलिंग दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दिमाग में हीलिंग देंगे तो आप पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिवली आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है, सबको समझ में आया। और रूट चक्र में हीलिंग दे, अगर आपको नौकरी लगानी है तो रूट चक्र में हीलिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत देर हो गई, आई होप कि आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं, जिसको थोड़ी बहुत एक आध लोगों को क्वेश्चन कोर्स नहीं मिला अभी शुरू नहीं हुआ ऐसे बोलने वालों को कल का पूरा टाइम देंगे, आप प्लीज उसे कंप्लीटली ठीक कर लीजिएगा। और उसके बाद मैं चाहूंगा कि मंडे से ग्रुप को रीओपन करूं ताकि उसमें सिर्फ पॉजिटिव ही हम शेयर करें, एक दूसरे से मोटिवेट हो, डेली बेसिस पर हमें डोज मिलता रहे, अरे वाह मजा आ गया, अरे इसको भी ठीक हुआ, अरे इसको भी मजा आ रहा है, इससे हमारी कम्युनिटी का कुछ फायदा होगा, नहीं तो ये एक नॉर्मल कॉमन फ्री वाला ग्रुप बन जाएगा जो मैं इसे चीप नहीं बनाना चाहता, तो प्लीज इसको इज्जत दीजिएगा, सम्मान दीजिएगा। प्रॉब्लम है, कंप्लेन है तो मुझे डायरेक्टली कॉल कीजिएगा, रितु मैम को बताइएगा कि हमें आपसे बहुत कंप्लेन है, हमें बहुत शिकायत है, बहुत नेगेटिविटी है, वो हमें बताइएगा। लेकिन अगर आपको ग्रुप का इस्तेमाल अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए करना है तो वहां पे सिर्फ पॉजिटिव बातें बताइएगा, अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, अच्छी भावना देंगे तो अच्छे और आपको मिलेगा, यही मैंने आपको समझाया, ठीक है। सो ज्ञानशील का आज ही अटूनमेंट हुआ है, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। सो मैं आप लोगों से अब विदा हूँ, आज के लिए इतना ही देते हैं, कल आप लोग से पूछ लूंगा कि आप ग्रुप को ओपन करना चाहेंगे कि नहीं, जो लोग ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं फैसला कीजिएगा, मंडे से ग्रुप को ओपन करूंगा, नए सीजन की तरह नए सेशन की तरह इसको यूज करेंगे और फिर अपनी लाइफ में भर भर के पॉजिटिविटी लाएंगे, सीखे। सो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, सो मच, गॉड ब्लेस, के बेले, के ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।